सुप्रभात पिलाने आजर ऑनलाइन भाषा क्लास को समस्त को मोर हार्दिक अभिनंदन। आ सब केमती अच पिले भल अच नाई हो? पूर्व क्लास रे जो खंडगिरी रो तृतीय भाग पढ़े थी किसीटा मन रखी छ पिले? मन रखी छ नाई? हो मुके तरी प्रश्न पचारिबी से प्रश्न गुड़िकर उत्तर सठिक भाव रे देबे। खंडगिरी गुंफा केउ माने खोलिथिले पिले? को माने खोलिथिले? सत सत शिल्पी लागिकिरी सह सह शिल्पी एडे बड़ पहाड़ रे गुंफा खोला जीव तेणु सह सह शिल्पी खंडगिरी गुंफा को खोलिथिले। अच्छा गुप्तचर माने राजांक आगरे कौन करुथिले बोली कवि लिखिछन्ति? गुप्तचर माने कौन करुथिले सेई समय रे? दूर देशरू राज्य समाचार आनिकिरी राजांकु सुनौथिले नै? अच्छा वर्तमान अनेक समय बीत गलानी तेणु आमर ए कलिंगर भूति बा खंडगिरी रो जो गौरवमय इतिहास वर्तमान कौन हेछि बोली कवि वर्णना करिसंती के कहि पारिबो? महाकाल निरे बुद्बुद पराए मिसी जाइथि नै पानी फोटका परी कलिंगर ए गौरव समय रूपक पानी रे मिसी जाइछि बोली कवि कहिसंती। भल मन रखिछ पिले वर्तमान आमे ता परवर्ती किछि अंश पढ़िबा। प्रस्तुत अछ समस्ते? बही पत्र काढ़ी रेडी हुआ आरंभ करिबा। ठीक अछि देख चुणु मूल जाए शोभे शिलाकाए प्रासाद प्रांगण गुंफा देउल तरुलता दल रोधिछन्ति पथ निवसन्ति जही स्वापदकूल पथ प्रांतवासी साधु धर्म बेशी कहन्ति अद्भुत बहु कहानी देखान्ति श्रोतांकु प्रत्यक्ष प्रमाण केते जीर्ण स्मृति कठाउआणी तापस साधक अद्यापि अनेक निबिड़ अंधार गुहा गर्भे लुचि रही गभीर निशिते शुणा जाए संगीत नभे शुणी मुनिजे कहती से तेजे पथिक बदने देखी संशय नुहे ता विचित्र बाह्य विश्व मात्र प्रतिफले नर निज हृदय। पिले सब बही पत्र धरीछ त पेनसिल धर एवं कष्ट शब्द गुड़ी को तुम्हे तले गार पक पूर्व कि कष्ट शब्दर अर्थ मु तुमको कहीदी। देख चूल मूल जाए शोभे शिलाकाए प्रासाद प्रांगण गुंफा देउल ये आमर शिला प्रत्येक पद को तुम्हें जीव कष्ट शब्द को तुम्हें अंडरलाइन कर देख शिला शिला मान हूँ पथर शिला काय लेखाई शिला मान पथर काया मान देह प्रासाद कोठाघर बड़ बड़ कोठाघर को प्रासाद कहते प्रांगण प्रांगण अर्थ है अगणा जोटा को तुम दुआर बोली कह रोधी प्रतिबंध रोधिबा मान प्रतिबंध सृष्टि करवा बाधा देवा बा बंद करवा नहीं बंद कर दे स्वापद स्वापद शब्द अर्थ हूँ हिंस्र जंतु बाघ बालू एगुड़ाक नहीं जीर्ण अति पुरातन हेतु छिंडी जाइवा बोले बहुत पुराणा जिनस धीरे धीरे छिंडी जाए नष्ट हो जाए कहा जाए जीर्ण अद्यापी अद्यापी शब्द अर्थ है आज पर्यंत एवं सुधा निशीथे मध्य रात्रि रे नभ नव शब्द अर्थ है आकाश एवं आकाश को व्योम मध्य कहती संशय संशय है संदेह मन में किसी गोटे संदेह आसव कि द्विधा आसव कहा जाए संशय बाह्य बाह्य शब्द अर्थ है बाहर विश्व विश्व मन पृथ्वी धरणी बसुमती एगुड़ाक हूँ विश्व शब्दर प्रतिशब्द प्रासाद कोठागर आचार्य देख पिले आगुरी पढ़ी प्रासाद मान कोठागर प्रासाद आउ
प्रसाद दुईटी शब्द तुम्हें शुणी प्रसाद कहले कोठागर एवं प्रसाद कहले भोग ठाकुर प्रसाद ये किसी मान आम जो पढ़ा कविता ये आम प्रसाद शब्द टी पढ़ा तापर बासी पथ प्रांत बासी गोटे शब्द आसब बासी मान बासींदा जो मैंने बास करती आउ गोटे बासी दीर्घई बोले बासींदा दंतेश दीर्घई एवं दंतेश हर्षई हेले बासी खाद्य जो खाद्य टी नष्ट हो जाए ठीक अच्छे बोले बर्तमान एतिकी शब्दर अर्थ मु तुमको कहीदेली बर्तमान आम कविता टीर व्याख्या आड़को जीवा देख खंडगिरी चित्र कवि एटी लेखिले चूड़ मूल जाए शोभे शिला काए प्रासाद प्रांगण गुंफा देउल शिला काए माने पाप शिला माने पत्थर पत्थर शरीर रे बा देहरे चूड़ मूल जाए चूड़ माने अग मूल माने आरंभ आरंभ रु शेष पर्यंत खंडगिरी पत्थर रे पहाड़ देहरे सबु शोभा पाउची कौन प्रासाद प्रांगण गुंफा देउल प्रासाद माने कोठागर प्रांगण माने पड़िया माने अगणा गुंफा माने तो गुंफा जानते जो गह्वर खोल जाए देउल माने मंदिर ये खंडगिरी रे जो गुंफा खोली शिल्पी माने ये पूरा आरंभ रु शेष जाए सबुआड़े से कौन अच्छी प्रासाद प्रांगण गुंफा देउल ये सब खोली से शिल्पी माने एवं तरुणता दल रोधी पथ निवसंती जही सापदकूल वर्तमान जो चित्र यहाँ टी भल भाव पुनरुद्धार करते आमर जाते गोपबंधु दास खंडगिरी देखा से समय कौन यही खंडगिरी शोभा नष्ट विनष्ट से जो गुंफा देउल सब गुड़ाक अच्छी तार जो प्रवेश पथरे रास्तार तरुलता मानने गच बड़ बड़ गच एवं लता मैंने पथ को रोधी से गुंफार सबु जगार सबु रास्ता को बंद एत गचलता उठी जाते मानने गहलिया जे रास्ता पूरा बंद होवसंती जही स्वापद कूल स्वापद मान ईश्वर जंतु कही से भितरे गुंफा मानक भितर रास्ता जेहेतु बंद हो जा हिंस्र जंतु मैंने ता भितर पशिक से गुंफार देख खंडगिरी चित्र देख यही खंडगिरी वर्तमान सुंदर सफा जाइए कि समय कवि जो द्वितीय बार जाते से सब रास्ता बंद हो जाता गछलता सब थी दृश्य से देखी एवं जीवजंतु बास कर चित्र देखुंतापर आसवा पथ प्रांतवासी साधु धर्म बेसी कहती अद्भुत बहु कहानी पथ प्रांत बासी देख खंडगिरी गला बेले से रास्ता मानक अनेक साधु सन्यासी सन्यासी रहंती साधु धर्म रे से बास करती साधु माने बुझल एवं से माने जो पर्यटक माने जाती खंडगिरी देखा लगी से मानू कहती अद्भुत बहु कहानी से सहित आम से कथबार्ता लगे ताले से ही साधु धर्म बेसी माने लोक माने जो माने खंडगिरी पाखरे बास करती अद्भुत कहानी कहती कौन देखती श्रोता प्रत्यक्ष प्रमाण केते जीर्ण स्मृति कठाऊ आनी देखु पे साधु धर्म माने कि बस एमाने कौन करती श्रोता मानू जो माने पर्यटक मानू बहुत अद्भुत अद्भुत कहानी कहती एवं अनेक गुड़िए जीर्ण अति भंगा रुजा बहुत पुराणा कठाऊ मान सन्यासी मान कठाऊ आनी प्रमाण देखा देख यही हूँ आम प्रमाण एवं ये आम अद्भुत कहानी कहचु ताछ नुहे तो तापस साधक अद्यापी अनेक निबिड़ अंधार गुहा गर्भे से मैंने जो अद्भुत कहानी कहती से कहानी टी कौन तापस साधक देख पे ये हूँ तापस जो मैंने तपस्या करती से मैंने तापस जो मैंने साधना करती से मैंने साधक तेणु यही तार अर्थ है से साधु सन्यासी को आम बुझा अद्यापी वर्तमान पर्यंत ये खंडगिरी गुंफारे अनेक गुड़िए तापस साधक बास
କରୁଛନ୍ତି କୋଉଠି ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଗୁମ୍ଫା ଘର ବେ ବହୁତ ଅନ୍ଧାରିଆ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭିତରେ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାପସ ସାଧକ ମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇ ସାଧୁ ଧର୍ମ ବେଶୀ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି। ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଗଭୀର ନିଶିତେ ଶୁଣାଯାଏ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ। ସେ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ନିଶିତ ରାତି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗଭୀର ହୁଏ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ ନଭେ ମାନେ ଆକାଶରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠି। ସେମାନେ ଯୋଉ ସେ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ପିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେଠି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କେହି ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସେହି ସମୟରୁ ତାଙ୍କର ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଏ ଭିତରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଏ ଶୁଁ ଶୁଁ ରାତିର ଗର୍ଜନ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତ। ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କି ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଇଁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇ ଜଣାଣ ସେଇ ବିଭୁ ସଙ୍ଗୀତ ସେମାନେ ଗାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତଟି ନଭେ ମାନେ ଆକାଶରେ ଶୁଭେ। ଏଇ କଥାଟି ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଶୁଣିଛି ମୁନି ଯେ କହନ୍ତି ସେ ତେଜେ ପଥିକ ବଦନେ ଦେଖି ସଂଶୟ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛଇ ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଭୁ ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ରାତିରେ ଶୁଣାଯାଏ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କ ମନରେ ବଦନ ମାନେ ମୁହଁରେ ସଂଶୟ ଦେଖାଯାଏ ଦ୍ୱିଧା ଦେଖାଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କେହି କେହି ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଶୟର ଚିହ୍ନ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଶୁଣିଛି ମୁଁ ନିଜେ ଏ କଥା ଶୁଣିଛି ମୁଁ ମିଛ କହୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଏହି କଥା କହନ୍ତି ନୁହେଁ ତା ବିଚିତ୍ର ବାହ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ମାତ୍ର ପ୍ରତିଫଳେ ନର ନିଜ ହୃଦୟ। ଏଇ ଯୋଉ ଏ କଥା ଏମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଗୁମ୍ଫାରେ ଯୋଉ ଅଶରୀରୀ ଆତ୍ମା ଗୁଡିକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଶୁଣିକି ଯେତେବେଳେ ପଥିକ ମାନେ ସଂଶୟ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଏମାନେ ପୁରା ଜୋର ଦେଇକିରି କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜେ ଶୁଣିଛୁ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ। ଏଠି କବି କହୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ ତା ବିଚିତ୍ର ବାହ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ମାତ୍ର ପ୍ରତିଫଳେ ନର ନିଜ ହୃଦୟ। ବୋଲେ ଆମେ ଆମର ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ଭାବନା ଅଛି ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଅଛି ସେଇ ଚିନ୍ତାଟି ଆମର ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ମାନେ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ଯୋଉ ଭାବଭଙ୍ଗୀ କରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ପ୍ରତିଫଳ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆମର ଭାବନାଟି ଆମର ଚିନ୍ତାଟି ଆମର କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଯୋଉ କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଭାବନାଟି ସେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା କିଛି ବିଚିତ୍ର କଥା ନୁହେଁ ବୋଲି କବି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଲେ କବିତାଟି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଲୋଚନା କରିବା। କାର୍ଯ୍ୟପଦ ଯାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ମାନେ ପଢେଲି ପଦ ତା ଭିତରୁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ ତମେ ଆଲୋଚନା କରିବ ଏବଂ ଲେଖିବ। ଏକ ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକ ଉତ୍ତର କହ ଖଣ୍ଡଗିରିର ଚୂଳ ଠାରୁ ମୂଳ ଯାଏ କଣ ଶୋଭା ପାଉଛି ପଢିଲ ତ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଗୁମ୍ଫା ଦେଉଳ ଏଗୁଡାକ ଶୋଭା ପାଉଛି ପଥ ପ୍ରାନ୍ତ ବାସୀ ସାଧୁ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି ଏବେ ପଢେଇଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମନେ କରି କହିବ। ଖଣ୍ଡଗିରିର ଅନ୍ଧାର ଗୁମ୍ଫା ମାନଙ୍କରେ କେଉଁମାନେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ପଥ ମଧ୍ୟରେ ବାଟୋଇ ମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ସନ୍ତ ମାନେ କଣ ସବୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବ। ନମ୍ବର ଦୁଇ ଖାଲି ଥିବା ପାଦ ଗୁଡିକ ପୂରଣ କର ଦେଖ ଯୋଉ ପଦ ପଢେଇଲି ତାର ଗୋଟେ ଲେଖା ଧାଡି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଧାଡିଟାକୁ ମନେ କରି ଲେଖିବ ପଥ ପ୍ରାନ୍ତବାସୀ ସାଧୁ ଧର୍ମ ବେଶୀ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଖ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଗଭୀର ନିଶିତେ ଡ୍ୟାସ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଗ ନୁହେଁ ତା ବିଚିତ୍ର ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ମାତ୍ର ଏଠି ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିଲେ। ନମ୍ବର ତିନି
निम्नोक्त शब्द मानकर दुईटी लेखाए प्रतिशब्द लेख निषिद्ध बोले निषिद्ध मान कही राति गोटे हम राति गोटे हम रजनी आहरी अच्छी तुम जो मन दुईटा मन कर लिख नभ पढ़ला बेल कही अर्थ नभ मान आकाश व्योम नंबर चार क स्तंभर शब्द सहित ख स्तंभर शब्द को जोड़ जो पद गुड़िक तुम पढ़ल ए पदर ये शब्द गुड़िक अच्छी तेनाली शब्द गुड़िकर क स्तंभर शब्द ख स्तंभर के शब्द सहित तार संपर्क अच्छी देखा जोड़ ठीक अच्छे पिले आमर पाठटी तो आज सरीगला हेले एठी जो आम बही देख तुमर जो अभ्यास प्रश्न अच्छी अभ्यास प्रश्न गुड़िक तुमर प्रश्न उत्तर खातर भल भाव लिख जी अभ्यास प्रश्न अच्छी मु पढ़ेबा समय सब प्रश्न गुड़िक भल भाव कौन बुझे तुमको तेणु प्रश्न गुड़िक उत्तर लिखे विशेष असुविधा हेबना खाली देख से एका जिनस अच्छी कविता वर्णित स्थान क्योंठार अच्छी कहते भुवनेश्वर उत्तर पश्चिम दिगरे खंडगिरी कथा बर्णना है ना खंडगिरी कथा लिख कवि खंडगिरी को उत्कल गौरव प्रतीक रूपे कहीं वर्णना करी वर्णना कर खंडगिरी उत्कल गौरवमय इतिहास देखिले उत्कल पूर्व आमर माने संस्कृति आमर कला आमर भास्कर्य आमर सामाजिक संस्कार किपर थिला ताहने जानी परबा तेणु यह हूँ आमर गौरवमय इतिहास प्रतीक खंडगिरी जनस्मृति रु कहीं लिपि जाइए अनेक दिन हो गला बहु ऐर खारवेल समय कीर्ति एटा तेणु बहुत दिन हो गलु तार सबू भांगी रुजी जीर्ण शीर्ण हो गलानी लोके कालक्रमे भूली गले आमर पूर्व इतिहास को महाकाली बुद्धबुद पराए जाई अच्छी भी कलिंग भूति मन कर तेणु पिले एगुड़ाक सुंदर भाव प्रश्न उत्तर लिख देख तीन नंबर तीन नंबर टे तुमको समस्या हाब बाकी गुड़ाक सब तुम भल भाव लिखिपार सरल भाषा बुझाई लेख सरलार्थ तथापि से गाथा रखी अच्छी गिरी काल पराभवे लिखाई हिया पद को सरल भाव बुझे लिख संस्कृत पद्यांश टी आम साहित्य बहर उत्कलमणि गोपबंधु रचित खंडगिरी काव्यरु आनीत होठार कवि खंडगिरी उत्कल गौरव को किपरी जन लोक मान आगे देख चिन्ह करमी भारत आमर उत्कल गौरवमय इतिहास ए भाया था बोली किमी दर्शक मैंने जानवे लोक केमी मन पकेबे से लगे से कौन करते काल समय जिते बाधा सृष्टि कले खंडगिरी छाती देख बक्ष देख से ठिया कवि वर्णना शैली अति उत्कृष्ट बोली आम बुझीपर ठीक अच्छे बोले ये भाया सरलार्थ गुड़िक लिख एवं प्रश्न गुड़िकर उत्तर ठीक अच्छे आज तो पिले समय ही गला तेणु आमे ये बंद करवा परवर्ती क्लास रे आ गोटे नुआ पाठ नहीं आसवा ठीक अच्छे बाय।